रस्ता जो है आम सदियां पुराना जी वो ही चाहिए मेरे को रास्ता, दूसरे रास्ते पर नहीं चलना है। दूसरा रास्ता कहाँ से है आप देखिए, नीचे गिर जाएगा, नीचे नाला है जी। वो उनको दिखा दिया पटवारी ने, देखो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जी, ठीक है। लट्ठा आया था, जरैल लाट का लग गया था, रोड का लग गया था, और उन्होंने बोला कोई रास्ता नहीं यहाँ पे, फिर भी ना हम है इन, क्योंकि हमारी भी दुकानदारी है, हमें पता नहीं लोगों ने कहाँ से आना, यहीं से आना। तो ऐसा नहीं हमने रास्ता बंद नहीं किया, हमने रास्ता दिया उन्हें काट के, ये देखो। अच्छा, ये रास्ता बनाया। PR न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को रविंद्र कोहली की ओर से नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं पुलिस थाना लंबा गांव के तहत पंचायत हड़ोट के वार्ड नंबर पाँच में, जहां पर पाँच और चार में, जहां पर रास्ते का विवाद है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रास्ता जो आम रास्ता था वहां पर दुकान डालकर किसी ने रास्ता बंद कर दिया है। हाँ, तो जो सारी समस्या है वो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, वो बताएंगे। तो आरोप यहाँ के जो छोटू राम पुत्र श्री संतराम हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जरियाल लहाड़ की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, रास्ते की जगह पर दुकान डालकर बंद कर दिया गया है। तो पूरी क्या समस्या क्या है और मामला क्या है ये बताएंगे छोटू राम जी। इस वक्त मौजूद हैं जो कि यहाँ पर राखा के पद पर तैनात हैं। हाँ जी, तो ये जो समस्या है आपकी वो बताइए, आपकी क्या समस्या है? और मीडिया साहब के साथ मेरी बात हो रही है जी, जो मीडिया बोलेगा मैं मीडिया के पास तकलीफ अपनी रख रहा है जी। जो आम रास्ता सदियों का बुजुर्गों का रास्ता, कहाँ से था रास्ता? ये रास्ता यहाँ से, यहाँ से, एक यहाँ से रास्ता है जी, ये रास्ता जी, ये रास्ता जो है सदियां पुराना रास्ता, इसमें राज कर गया एक मुगल 800 साल है, 200 साल अंग्रेजों ने किया राज है, मलका करके कई राज यहाँ थे, यही रास्ता था, यही सदियों का रास्ता है। आपकी उम्र कितनी है और आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर है जरियाल लहाड़ में, अर्जन बस्ती में। नाम क्या आपका? नाम मेरा नाम छोटू राम, संतू राम का बेटा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है मेरी 70-72 साल है। और आपने जब से रास्ता देखा है तब क्या यहीं पर था? यहाँ पर था जो दुकान निर्माण की है इसने जी। हाँ जी, तो अभी क्या चाहते क्या है और क्या मामला क्या है? दुकान गिरना चाहते, गवर्नमेंट का जमीन है। क्या इसकी शिकायत आपने दर्ज करवाई है? हाँ जी। कहाँ पर? थाना लंबा गांव। फिर क्या फैसला हुआ? फैसला कोई नहीं है अभी, कोर्ट में मेरा स्टे लग गया इसके ऊपर। जैसे विभाग के जो कागज बता रहे हैं उसमें बताया गया है कि यहाँ पर आम रास्ता मतलब रास्ता नहीं है कोई भी रास्ता, है सरकारी रास्ता, सरकारी जमीन है जी, सरकारी जमीन में नहीं है, जो मलकीत में रास्ता दो पासे से टच होता है, बीच में जो है 6 फुट जमीन जड़ी है गवर्नमेंट की आती है रास्ते में, कितने रास्ता नहीं है। कितने परिवार इस रास्ते से होकर अपने आने जाने के लिए उपयोग करते हैं? 35-36 घर है। अच्छा, जरियाल लाड़ के और रोड के भी जाते आते हैं जी, और जमीन जरियाल लाड़ की है, सिंबल थोड़ा खलाटी है, घास लकड़ी बनी इस रास्ते जाते हैं, मुर्दे जाते हैं, मर जाते हैं, तो लंबा ग्राम पूछ द्वार। तो अभी जो जिन्होंने दुकान यहाँ पर डाली है उन्होंने बताया कि हमने रास्ता बनाकर दे दिया है, तो आप क्या चाहते हैं अभी? ये रास्ता थोड़ी है जी, ये रास्ता है नाले में लेना जी, या ये लेना, ये रास्ता खुद ने बनाया है, गवर्नमेंट की जमीन में बनाया है, किसने दी है? कौन जाएगा जी? आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह। उम्र कितनी है आपकी? जी, क्या है मामला, क्या है पूरा बताइए आप। हाँ जी बोलिए, क्या है ये विवाद, क्या है बात के? इन्होंने अब दुकान डाली है जी, इन्होंने गलत डाल दी, सरकारी जगह भी है ऊपर है जी, जिसकी वजह से हमारा रास्ता इन्होंने अपनी मर्जी नाले बनाया, होने फटी गई है, टूटी गई है, उससे खड़ा दिए थे, हम घास लाते हैं, लकड़ कैसे गुजरेगा कि बूढ़ा खेरा जी। अच्छा, हाँ जी सर, आपका नाम?
मेरा नाम मिशेलू राम। अच्छा बोलिए क्या है ये प्रॉब्लम? रास्ते दी परमाला साहब। प्रॉब्लम क्या है इसके? जेड़ा पुराना रास्ता है असा ओ चाहिंदा, जो सदियों का रास्ता है वही चाहिए, ओ चाहिंदा। अच्छा तो ये जो अभी दुकानें इन्होंने बनाई हैं ये खेल देनिया डया जान डया जान, वो सरकार ऐसे करो जो सरकार करेगी से होगा। नहीं सरकार ने तो कागजों में लिखा है कि यहाँ पर रास्ता नहीं है सरकारी कागजों में। अच्छा तो फिर उसका क्या है? रास्ता नहीं है तो हम लोग तो है सरकारी जी जी, हम तो आपके जाते हैं सरकार में गवर्नमेंट की जमीन में जी, गवर्नमेंट की जमीन में कई रास्ते हैं सब कागजी है। बिल्कुल बिल्कुल की जिम्मेदारी रास्ते हम सारी कागजी नहीं है, उन्हें लाने का रास्ता है रोड को, ये कागजी नहीं है जी। अब जाते आते हैं लोग आना जाना नहीं, कोई सुल्तान घाट कोई ब्याह शादियां पार्टियां जा रही है, मीरपुर तक सुल्तानपुर तक रामना मारी रिश्तेदारी है, आलपुर में रिश्तेदारी है, जसिमपुर में कनगढ़ कमान टिकरी जसिमपुर त्रापन तंबर जम्मू दगो यही रास्ता हमारा है। कौन सा? पटार खोला। अच्छा पटार खोला जी, तो टमरे हो जाता है रास्ता। नहीं वो तो खुला है ना, बंद तो ये वाला है। ए, नहीं है, हाँ बात कर रहा है ना, इसी रास्ते से निकलते हम लोग। अच्छा आशापुरी दीनदयाल मुर्दे जाते हैं हमारे, हाँ जी हम मर जाएंगे, मैं भी मर जाएगा तो मैं भी दीनदयाल को जाएगा यहाँ से, हाँ जी कोसरी पाड़ा पालम पालमपुर बोरा खैरा है ना गाड़ा यही रास्ते गए, यही रास्ता था यही लेना हमने। अच्छा हमने हो नहीं लेना, सरकार क्यों नहीं देगी? सरकार देगी, हम गवर्नमेंट के हम वोट देते हैं, हम सरकार को मानते हैं जी, सरकार का काम करते हैं जी। अभी भी मैं रखा है, है? अभी जो दुकान के मालिक हैं यहाँ पर मौजूद हैं तो प्लीज आप बोलना चाहेंगे कुछ, क्या बोल रहे हैं? ये रास्ता जो बंद किया है क्या मामला? रास्ता इनको निकाल के रास्ता कागजों में सब आए पाए तो यानी कि 60-70 बंदा यहाँ इकट्ठा हो रहा था जी, वो उनको दिखा दिया पटवारी ने, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जी, ठीक है लट्ठा आया था इजराइल लाड़ का लग गया था रोड का लग गया था, और उन्होंने बोला कोई रास्ता नहीं यहाँ पे, फिर भी ना हम है इन, क्योंकि हमारी भी दुकानदारी है, हमें पता नहीं लोगों ने कहाँ से आना यहीं से आना, तो ऐसा नहीं हम रास्ता बंद नहीं किया, हम रास्ता दिया हो निकाल के, ये देखो। अच्छा रास्ता बनाया, वैसे पहले रास्ता ऊपर से था, पहले ऊपर से था वो सर हमारी थी वो जमीन, तो बोलने तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बोलने मतलब हमने उसमें अपनी ये दुकान डाली, हमने अपनी में डालनी और किसी में डालनी, इनकी इनकी जमीन में डालना हमने क्या हुआ केसर सिंह उन्होंने बहुत अच्छी निशानदेही की है, केसर एस एच ओ ने क्या बोला क्या था उस दिन, क्या हुआ था? उस दिन फैसला क्या हुआ? भाई ये जमीन जेड़ी है फॉरेस्ट की है, जो इसने निर्माण किया इस जमीन में है, ये दुकान जो पड़ी है ये गवर्नमेंट हिमाचल फॉरेस्ट की है। अच्छा है ना, फिर ये फिर भी निर्माण करता, कोर्ट में केस लगा है, कोर्ट में इनको आगे तक रास्ता दिखाइए थोड़ा सा ना आगे दर्शक देखे कहाँ से कोर्ट में केस लगा है। अच्छा है? जी फिर मेरे को बोला है, बोला ए, चमार को रास्ता नहीं है तेरे को, ये किसने बोला है? ये अमर सिंह ने कहा सुनीता देवी अमर सिंह की ऑटो का गोली ने बोला है। अच्छा बोला के तेरे को गोली के साथ मार दूंगे। अच्छा हाँ जी। अच्छा ये रास्ता इन्होंने बनाया है सर? ये रास्ता। अच्छा रास्ता हमारा ये है जी, ये देखो जी ले लियो से। अच्छा ये गेट बना है ये गेट बना है जी रास्ते का, ये टप्पे है पेड़े है, ये पेड़े पुड़ गए हैं। अच्छा हमने ये लेना बैठी थी रास्ता, ये गिरेगा
हमारे सियाने हैं, मैं भी सियाना, ये रास्ता ये क्या है, इसको देखो, इसको देखो, नाला नाला ये गिरेगा नहीं, ये रास्ता वो फट गया है, नाला है ला है जी, ये सरकारी है। अच्छा जमीन तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करने के सके। अच्छा ठीक है, ये है रास्ते का विवाद जो कि इन्होंने आरोप लगाया है कि रास्ते की जगह पर दुकानें डालकर रास्ते को बंद किया गया है, लेकिन जो जिन्होंने दुकानें बनाई हैं उनका कहना है कि हमने रास्ता बनाकर दिया है, लेकिन अभी विवाद जो है मेरा ख्याल है कहां पर है, इसकी फैसला हो चुका है कि नहीं हुआ? नहीं, इसका फैसला कैसे हो गया? अच्छा कोई फैसला नहीं है। क्या फैसला क्या हुआ है? पटवारी आया तो यहां पे जी, फैसला नहीं है, रास्ता बना के दे दिया हमने, उन्होंने बोला क्यों नहीं बनाया आपने रास्ता? अच्छा, मैं कहा सर हमारी दुकानदारी है, लोगों ने कहां से आना, यहीं से आना है ना जी, हमने रास्ता नहीं किया बंद, रास्ता चला हुआ सर, ये रास्ता हमने खुद अपने पैसे दे के निकाला हुआ रास्ता। अबे बोल रहा है ना मैं पटवारी, कान को पटवारी कह दिया, कान को कह दिया 15 दिन में खाली करो इस चीज को, इस चीज को खाली करो, इसको इस दुकान को। ये कब बोला है? ये दाढ़ी दाढ़ी निशानदेही हुई, ऐसा सच्चो ने बोला है, खाली करो, खाली करो, पहली चीज निशानदेही हुई है जी, ऐसा सच्चो बोल के किया, फिर कान को पटवारी कल क्या बोल के गया, अंदर इसको भी बोलोगे आप खाली करो, हमने क्यों बोलना, बोल रहे हैं आप तो। अभी चाहते क्या हैं आप लोग, सभी चाहते क्या हैं सरकार? चाहते हैं भाई ये खाली होना चाहिए, ये गिरना चाहिए, ये दुकान गवर्नमेंट की जमीन में, जो हम गवर्नमेंट की जमीन में जा सकते हैं पैदल, हमारा रास्ता खत्म है, ये मलकीदार बन गया इसका भी, गवर्नमेंट का भी, किसी का सरकार को नहीं मानता, पुलिस को नहीं मानता, कोर्ट को नहीं मानता, पंचायत को कोई नहीं मानता है जी, पंचायत राज है, पहला कोर्ट है हमारा पंचायत राज, दूसरा है जिम कोर्ट है जी। ये बना रहे मनगढ़ंत बातें, पिछली बार आए थे तो इन्होंने बोला यहाँ पे तू इसका पेड़ था, तूनी का पेड़ था, पता नहीं कितने 9 पेड़ लगाए हुए इन्होंने, उन्होंने नीचे उतर के देखा, सिर्फ हमने ब्यूड़ काटा हुआ अपना जी, ब्यूड़ के ठेले मिले और किस चीज के ठेले नहीं मिले, कोई बात नहीं, ये मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं यहाँ पे आके, इनके पास टाइम नहीं है, ये ऐसी मनगढ़ंत बातें इनकी सब, मनगढ़ंत है नहीं, कोई ना कोई तो प्रूफ होगा। 48 साल हो गया राखी करते को, गवर्नमेंट हिमाचल की सरकार की राखी करता है, मैं पब्लिक की राखा मैं 48 साल में, 48 साल में जो मैं प्रोपोगंडा मिलना 18 भी बन जाती है राखी गई, पब्लिक बोले भाई हाँ छोटू राम ने गलत किया, आज तक मैंने गलत नहीं किया, इसने बांस बटे मैं नहीं गलाया, दो इनी जड़िया पहले दो दुकाना बनाइया, मैंने चल इनी अपने बर्तने बढ़ी लें सरकारी, नहीं कागज तो बोल रहे हैं ना कि सरकारी जगह पर दुकान डली है लेकिन रास्ता यहाँ से नहीं था, ये भी बोल रहे हैं कागज है ना, सरकारी सरकार बोल रही है ना, सरकारी कागज तो ये बता रहे हैं, तो अभी आप क्या चाहते हैं वो सरकार से? मेरा रास्ता जो है पुराना जी, वो चाहिए मेरे को रास्ता, दूसरे रास्ते पर नहीं चलना है, दूसरा रास्ता कहाँ से है आप देखिए जी, नीचे गिर जाएगा, नीचे नाला है बैठा जी, इससे आगे जाओ थोड़ा सा, इससे आगे जाओ थोड़ा सा, आप ये इस रास्ते को देखो और आगे जाओ थोड़ा सा, आप देखो थोड़ा वीडियो बनाओ आगे जाते हैं, आओ आगे आओ, चलो आज 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 थोड़ी नहीं है हमारे रखा, अब उधर नहीं जाएगा, अब मैंने बताया आपको कैसे, आप कैसे बोल रहा है, आपका रास्ता थोड़ी नहीं है। अच्छा आगे रास्ता आगे तो दिखे नहीं, दिखे नहीं तो ला गई है ना, ला गई बनाना पंजाबी हो एप्लीकेशन देनी जी, फिर हमने बनाना, वो मिल गई दबका हमारा रास्ता अपना, कोई सरकार का नहीं है, वो सरकार का नहीं है, इनकी जमीन है, इनकी प्रताप सिंह की जमीन है, हमने दौड़नी, हमने फौजदार नहीं करनी, हमने गाल नहीं करनी किसी को, हमारा कोई सूद नहीं है, हमारा ये है हमारा रास्ता जो है वो मिलना चाहिए जी, सदियां पुराना रास्ता, अंग्रेज राज कहीं चला गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बने तभी यही रास्ता हमारा, यही है, जब
आजाद देश बनिया, आजादी इनका मिल गई, अमर सिंह का मिल गया आजादी, जिरेल लाड को कोई आजादी नहीं है, जिरेल लाड को कैद में फंसे है, कैद है जेल है, हिंदुस्तानी है, हर एक का बोलने का हक है। तो ये कहना है ग्रामीणों का, उनका कहना है कि जहां पर आम रास्ता था वहां पर दुकानें बनाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है, लेकिन जब विभाग द्वारा जांच की गई तो वहां पर भी आम रास्ता मतलब यहां पर कागजों में नहीं है, लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि सदियों पुराना रास्ता है और इसी रास्ते से हमें आना जाना है और यही रास्ता हमें चाहिए। अभी हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि गलत कौन है सही कौन है, ये सरकार का काम है विभाग का काम है, लेकिन जो समस्या थी हमने आपको लाइव ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई है। सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।